जो कि हमारी विद्या भारत की ही थी, लेकिन भारत पे उस पे काम ना होने के कारण डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसका पुनः आविष्कार किया और अब ये विद्या धीरे धीरे सब जगह पे फैलती जा रही। रेकी को हम एक प्रकार से स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। रेकी ना तो कोई तंत्र है, ना तो कोई मंत्र है, ना तो कोई यंत्र है। रेकी एक प्रकार की सफेद ऊर्जा है, एक कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें दिव्य शक्ति, जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा से हमें मिलती है। परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर ही होता है। जब हम हमारी एनर्जीज को एनहेंस करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर, तो वो एनर्जीज हमारे अंदर ही होती है। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा होता है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक शक्तियां होती हैं, बस हमें उसे समझना होता है और रेकी के माध्यम से हम उन शक्तियों को समझते हैं। ठीक है, रेकी के अंदर हमारे जो हमारा रेकी है, इसके अंदर हमारे 5 लेवल्स होते हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ रेकी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल रेकी है, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 लेवल्स होते हैं। उसके अलावा मैग्निफाइड हीलिंग हो गया, वॉयलेट फ्लेम रेकी हो गया, करुणा रेकी हो गया। मैग्निफाइड हीलिंग भी हमारी जो है वो हमारी ट्रेडिशनल होती है। इसके अलावा हम जो भी रेकी सीखते हैं वो सारे, जैसे जैसे मास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मास्टर्स की अपनी खुद की बनाया हुआ, अपनी खुद की, क्योंकि जब हम लेवल 5 करते हैं तो हम खुद के सिंबल्स बनाते हैं और उन सिंबल्स का शक्तिपात करते हैं, उन सिंबल्स को सिद्धिकरण जिसको हम बोलते हैं, उन सिंबल्स को हम सिद्ध करते हैं और फिर उन सिंबल्स को हम आगे आगे और बनाते चले जाते हैं। ठीक है, रेकी लेवल 1 के अंदर हम सीखते हैं अपने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग। 24 बॉडी पार्ट यानी कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो बड़ा ही मासूम और भोला होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल होता है। आप देखेंगे कि जब भी कभी आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हैं, उदास हैं, आप अपने घर में जाते हैं, अपने बच्चे को मिलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको बहुत खुशी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो ऑरा होता है वो बहुत अच्छा ऑरा होता है, एक पॉजिटिव ऑरा होता है, और जब आप उस पॉजिटिव ऑरा के कनेक्शन में आते हैं तो आप भी पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होती, किसी भी प्रकार के कोई नेगेटिव विचार नहीं होते, वो पूरी तरीके से प्योर होता है, प्योर लाइट होता है। तो उसी तरीके से हम जब अपने 24 बॉडी पार्ट, जो हमारी शरीर के अंदर जो हमारे 24 अंग, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जैसे जैसे हम अपने इन 24 बॉडी पार्ट को हील करते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है रेकी के अंदर, वो हम हमारी 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, अपने आसपास की नेगेटिविटी को वो ग्रैप करता है, आसपास के लोगों के विचारों को, कुछ अपने कार्मिक होते हैं, अपने पिछले जन्म से भी कुछ ऐसी चीजें हम इस जन्म में लेकर आए होते हैं जिसकी वजह से हमारे माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। जैसे जैसे हम चीजों को समझना शुरू होते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ता है, वो नकारात्मक प्रभाव जो होता है वो हमारे कर्मास होते हैं जो हम पीछे से जोड़ के आए होते हैं। तो वो सारे जो ब्लॉकेजेस बन जाते हैं जिसके कारण हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण हम जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इसके कारण हम बीमारियों के, हमें बीमारियां हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवन में जुड़ जाती हैं, जो कि आजकल कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हर किसी को ही होती है, वो बहुत ही कॉमन बीमारियां होती हैं, और उन सभी बीमारियों का एक ही कारण होता है और वो होता है हमारा स्ट्रेस, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारी नेगेटिव सोच। और जब हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं तो हम वो सारी अपनी बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स रहते हैं वहां से सारी नेगेटिविटी को क्लीन करते जाते हैं, क्लीन करते जाते हैं। जो लोगों ने 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग प्रॉपर तरीके से की है वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने जीवन के अंदर 21 दिन का, जो हमारा कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप उसको 3 महीने करिए, लेकिन कम से कम आप उसको 21 महीने, 21 दिन करिए। 21 दिन करने के बाद आप देखिए आपकी लाइफ के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आप कितने अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, कितना आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है और आपकी आपका जीवन कितना अच्छा, पहले से कितना बेहतर हो जाता है।
ठीक है। तो जो हमारा लेवल वन होता है उसके अंदर हम मेन हमारा यही होता है, अटूनमेंट तो हमारा हर लेवल में होता ही है, लेकिन लेवल वन के अंदर हम लोग बेसिकली 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये सारा हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आपके ऑरा क्लीनिंग आपको सिखाया जाता है, रेकी के हमारे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं उसके ऊपर काम किया जाता है, रेकी के माध्यम से आप कैसे अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, 70% वाटर होता है, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। पानी की अपनी खुद की हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, पानी आपकी बातों को सुनता है। अगर आप अपने पानी को पॉजिटिव तरीके से चार्ज करके उस पानी को पीते हैं तो उसका हमारी जिंदगी पे बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। आप देखेंगे मंदिरों के अंदर चरना अमृत हमें मिलता है ना। जो हमें चरना अमृत होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का पानी होता है, और उस पानी के ऊपर जो भी गुरु होते हैं वो अपना गुरु मंत्र डालते हैं, और जो भी वहां की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशंस वहां पर आती हैं और वो वाइब्रेशंस अपना काम करती हैं, और जब हम उस पानी को लेते हैं तो वो पानी हमारी बॉडी में भी वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोई नेगेटिव वाटर को यूज करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आप कहीं पर घर किसी के घर गए या आप अपने खुद के घर में बैठे हैं और अचानक से बात करते करते किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है घर के अंदर, और आपने पानी का ग्लास वहां पे रखा है और आपकी लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो जो वाइब्रेशंस होंगी वो आपके पानी के ग्लास में जाएंगी, और जब वो पानी के ग्लास में जाएंगी तो वो पानी पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप वो पानी पी लेंगे तो वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगी। इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आपको उस पानी को फेंक देना है, उस पानी को नहीं पीना है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक पानी, दो पानी के ग्लास रखें, एक पानी को बोले आई लव यू और एक पानी को बोले यू आर डर्टी, यू आर बैड, आप बहुत गंदे हो, और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जो पानी को आपने बोला 2 से 3 दिन के बाद आप जब देखेंगे जिस पानी को आपने बोला है ना आई लव यू आई लव यू आई लव यू, वो पानी कैसे खिलखिला के आपको महसूस होगा, वो पानी कैसे खिलखिला रहा है और जो दूसरा ग्लास का पानी है वो सड़ रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग अपने घर में खुद से कर सकते हैं, ये टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लेवल 2 आता है, लेवल 2 के अंदर हम लोग सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेवल 1 के अंदर भी हमारा जो अटूनमेंट होता है वो सिंबल नंबर 1, हालांकि हमें सिंबल्स के नाम ऐसे नहीं लेने चाहिए, हम ऐसे उसको पब्लिकली नहीं लेते हैं क्योंकि सिंबल्स की अपनी एक एनर्जीज होती हैं, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप आजकल देखेंगे हर कोई सिंबल्स के नाम बहुत ही ऐसे आप लोगों को बताते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ सिंबल्स के नाम यहाँ पर बोलूंगी जो कि कॉमनली हम यूज कर सकते हैं, बाकी सिंबल्स के नाम मैं नहीं बोलूंगी। जैसे कि पहला सिंबल होता है हमारा चौकोरे सिंबल, चौकोर सिंबल का हम लेवल 1 के अंदर आप लोगों को अटूनमेंट देते हैं, लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 के अंदर हम आपको 3 सिंबल्स का अटूनमेंट देते हैं, चौकोरे प्लस हमारा सहेकी एंड सेकंड होता है हमारा, ओ सॉरी थर्ड सिंबल है हमारा औंचा जजमल। सिंबल नंबर 1 चौकोरे, सिंबल नंबर 2 सहेकी, सिंबल नंबर 3 हमारा औंचा जजमल, ठीक है। चौकरी सिंबल जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल सिंबल है, ये हम हमेशा यूज करते हैं, हर छोटी बड़ी हमेशा जब भी कुछ आपको समझ ना आए तो आप सिंपल चौकरी सिंबल को यूज कर सकते हैं। सहेकी सिंबल हम यूज करते हैं हमारे अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जब भी हम हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं तो हमें अपने चक्रास को बैलेंस भी करना होता है, तो हम सहेकी को यूज करते हैं। और जो हमारा होंचा जेसोनेन सिंबल है ये हमारा डिस्टेंस सिंबल होता है, जब हम लेवल 2 सीखते हैं तो यहाँ पर हम डिस्टेंस हीलिंग भी सीखते हैं और अपनी खुद की हीलिंग भी सीखते हैं, और जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो हमें होंचा जेसोनेन उसमें यूज करना पड़ता है। होंचा जेसोनेन के साथ हम अपना कनेक्शन को बनाते हैं बिकॉज हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम होंचा जेसोनेन को यूज करते हैं, कि आपके और सामने वाले पर्सन के बीच में एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है जब हम होंचा जेसोनेन सिंबल को यूज करते हैं। तो ये 3 सिंबल को हम लेवल 2 में सीखते हैं। इसके अलावा हम लेवल 2 के अंदर अपने पूरे 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि
जब हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, वो हमारा बेस होता है कि जो भी हमारे अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस है, हम उनको धीरे धीरे करके रिमूव कर दे, अपने एनर्जी सेंटर्स को खोले, और फिर उसके बाद हम अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करें। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि वो 24 बॉडी पार्ट को तो हील करते नहीं है और डायरेक्ट अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो बहुत अधिकतर क्या होता है कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म के साथ जुड़े होते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं भगवान का, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो लोग एकदम से आते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी के 24 बॉडी पार्ट्स को ही हील करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं वो खुल जाएं। उसके बाद हमको हमारे 7 चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। 7 चक्रास सभी को मालूम है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पे दे रखी है। सबसे नीचे हमारा रूट चक्र, उसके बाद हमारा सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, एंड दिस इज अ क्राउन चक्र। हर चक्र के अपने कलर्स होते हैं, हर चक्र के अपने बीज मंत्र होते हैं, और हर चक्र के अपने एक देवता भी होते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे जब हम 7 चक्र के ऊपर डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का, जो कोई भी हीलिंग मोडालिटी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यही 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर सारा काम करते हैं। हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो इन्हीं 7 चक्र का बैलेंस, इम्बैलेंस, ब्लॉकेज और चार्ज, और यही सारा कुछ, ठीक है ना। इन्हीं 7 चक्रों की हम पूरी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे, इन्हीं चक्रों को हम एनर्जाइज करते हैं, इन्हीं चक्रों को हमने बैलेंस करना है। तो ये सारी 7 चक्रों के ऊपर हम डीप काम करेंगे, ठीक है। हालांकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन हम काम सिर्फ 7 चक्र पे करते हैं। बाकी जब हम हायर हायर लेवल्स पे जाते हैं तो हम उसके आगे आगे चक्र पे भी काम करते हैं, लेकिन जो हमारा बेस है वो हमारा रूट चक्र से ही स्टार्ट होता है। अगर आप सपोज, बहुत सारे लोग अपनी थर्ड आई के ऊपर बहुत काम करते हैं, नेचुरल है, जब भी हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती ही है। लेकिन अगर हमारे चक्रास बैलेंस नहीं है तो फिर वो हमारे लिए एक नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन करते हैं, अधिकतर लोगों के सिर में बहुत दर्द होने लगता है मेडिटेशन करने से। उसका वजह यही होती है कि जो उनके रूट चक्र, उनके सोलर प्लेक्सस और उनका सैक्रल चक्र है, वो अनबैलेंस होता है, जिसके कारण उनको मेडिटेशन करने से सिर में दर्द होने लगता है और फिर वो मेडिटेशन छोड़ देते हैं, या तो फिर उनके साथ कोई बीमारी लग जाती है, जैसे कि माइग्रेन। सबसे आज की इस युग में बहुत ही कॉमन एक बीमारी है माइग्रेन, तो ये बीमारी का कारण भी हो सकता है। अगर आप अपने सभी चक्रास को क्लीन किए बिना, उनको चार्ज किए बिना, एक्टिव किए बिना आप डायरेक्ट थर्ड आई के ऊपर काम करें। इन चक्रास को एक्टिव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मेडिटेशन के अलावा भी हम क्लास के अंदर सारे तरीकों को डिस्कस करेंगे। Thank you.